जामिया मिलिया इस्लामिया में वैसे स्टूडेंट जो इस बार स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, चाहे वो सिक्स का हो, नाइन का हो या फिर एलेवंथ, एलेवंथ में भी बात कर ले, साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए फिलहाल यू कह ले कि एक बहुत बड़ा या ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं, क्योंकि फाइनली जो आपके जो रिजल्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। हुआ ये है कि हमने आपको इससे पहले पिछले वीडियो में यानी कल के वीडियो में आपको बताया भी था और कहा भी था कि ये रहा हेल्पलाइन नंबर और इनसे आपको कॉन्टैक्ट करते रहा करना है टिल जब तक रिजल्ट ना आ जाए। और ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्राई भी करा, उन्हीं में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कांटेक्ट भी करा, बात भी करा है इस हेल्पलाइन नंबर से। हो सकता है आपसे बात ना हो पाया हो, लेकिन आप कोशिश करिए, ज़रूर आपसे बात होगी। होता यह है कि ये भी जो हेल्पलाइन नंबर है वो बिजी रहता है, इस वजह से आपके फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर बात होगी। ट्राई करना, अगर आप बात करना चाहते हैं उसके लिए मैं आपको एक बढ़िया टाइमिंग बताता हूँ, आप 10 AM पे ही है ना, जैसे ही 10 AM होता है ना उसी टाइम आप ट्राई करिए, बात हो जाएगा उस टाइम 10 AM पे, 10 से लेके 10:30 तक के आसपास में आप ट्राई करिए, ज़रूर बात होगा। खैर अब बात बताने जा रहे हैं कि हुआ क्या है। हुआ यह है कि एक कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसमें से उन्होंने क्या है इसी हेल्पलाइन नंबर से बात किया है, और बात करने के बाद फटाक से पहले उनका यही, क्योंकि हर स्टूडेंट का मिनिमम सवाल यही हो रहा है कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो उस पर उनका कहना हुआ कि देखो अगले दो से तीन दिन में, क्योंकि आज ही बात हुआ है तो कल सैटरडे है, संडे को तो मुश्किल है, अगर आना हुआ तो कल भी आ सकता है, अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली मंडे से ट्यूसडे के बीच में, मोस्ट प्रोबेबली यानी सिक्स का स्कूल का जो रिजल्ट है मंडे से ट्यूसडे के बीच में आपके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मैं फिलहाल ये कहूँगा कि अभी ऐसा टाइम है जिस टाइम आपको अपडेटेड रहना है, और मोस्ट बहुत हद तक अभी चांस है, क्योंकि जामिया में जो एंट्रेंस एग्जाम फाइनली ओवर हो गया है, अगले दो तीन दिन में वैसे भी ओवर हो जाएगा, और अगले दो तीन दिन में जो पेपर है वो ज़्यादा उतना डिमांडेड नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम है ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो आपका जो रिजल्ट है वो चेक हो गया है, बस रिजल्ट जहाँ तक पब्लिश करने की बात है तो मैक्सिमम 2 से 3 दिन में, यह मान के चलिए कि मैक्सिमम 4 दिन और लगेगा, अगले 4 दिनों में हर कोर्सेज का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर रिजल्ट आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा, उसके लिए सिंपल हमने कई एक बार आपको बताया भी है कि सिंपल आपको इस वाले वेबसाइट पर जाकर आपको पता चल जाएगा, एक तो सबसे पहले इसी वाले वेबसाइट पर पता चलेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे ये जो आइकन जो दिख रहा है यहाँ पे इस वाले एरिया में भी दिखेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी जैसे 6 का 1 का जो रिजल्ट आया था उसको यहीं दिखा था, और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है स्कूल एडमिशन रिजल्ट, तो आपको यहीं पता चल जाएगा, इस पर सिंपल आप क्लिक कर लेंगे। और एक बात मैं फिर से कह दूँ, देखिए जिस भी स्टूडेंट्स को दिख जाए कि रिजल्ट उनका आ गया है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर रिजल्ट आ गया, ताकि हम भी आपको बताएं, अदरवाइज हम खुद एक्टिव हैं आपसे, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप अपडेटेड रहिएगा, फिलहाल अगले 2-3 दिन तक डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स पब्लिश हो जाएंगे। चेक करने का तरीका बहुत आसान है, आपको इस पर सिंपल सबसे पहले कोर्स टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से जो आपका जो फर्स्ट बटन दिख रहा है इस पर सिंपल क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से कोर्स का नाम सेलेक्ट करना है आपको, कोर्स का नाम सेलेक्ट करेंगे आप, कोर्स का नाम में जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से आप जैसे मान लीजिए 11th का अगर आता है या 9th का आता है तो जो भी आप पहले सेलेक्ट कर लेंगे, अभी जैसे 11th पे क्लिक करते हैं, अब इसके बाद ये जो कैप्चा जो दिख रहा है आपको ये यहाँ पे टाइप कर देना है, कैप्चा डालने के बाद ये इस तरीके से आपको जैसे ही जब सर्च करेंगे ना तो आपको यहाँ पे इसी वाले आइकन में आपको दिख जाएगा, और हल्का सा लेफ्ट हैंड पे जाएंगे तो यहाँ पे जो लिंक का जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का आइकन भी आ जाएगा। तो खैर आप घबराएं नहीं, फिलहाल ये कि आप फाइनल आपको अप्रूवल यू समझे मिल चुका है, जल्दी बहुत जल्दी आपके रिजल्ट पब्लिश कर जाएगी। रिजल्ट से अपडेटेड रहने के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, रिजल्ट से अपडेटेड रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही आता है आपको ज़रूर रिजल्ट के बारे में अपडेट कर दीजिएगा, चाहे वो किसी भी क्लास के लिए हो। थैंक यू।